आ पहुंच गए का? अरे भाई उतरिए साहब, आ गए बंगला नंबर 13। अरे अभी जी तो यहाँ पर है। आ जाओ आराम से। हमको तो ये होटल बहुत ही पुराना लग रहा है और खतरनाक भी लग रहा है। पगले आइए आइए तुम्हारे आइए आ गए। भाभी जी वेलकम। थैंक थैंक पार्वती जी। आना हम कहाँ बोल रहे हैं? वैसे ई हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है। भाभी जी वो हिल स्टेशन होता है। सही पकड़े हैं। सुनो जरा ये सामान अंदर रख। क्या जी साहब? साहब ये आदमी कुछ मनुष्य टाइप का लगा, सारा रास्ता मनुष्य टाइप की बातें करता आया। पागल आदमी है एकदम, बेतुकी की बातें कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि आप क्यों आ गए हैं, ये मनुष्य जगह है ऑन ऑल दैट। वैसे है तो मनुष्य जगह। अच्छा ये कुछ होटल वोटल के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं इसमें, कुछ क्या है क्या ये? एक्चुअली क्या है कि ये पहले बंगलो था तो हमने इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। हमने मतलब आपने? नहीं नहीं, जो ये बंगले का मालिक है उसने। तभी हम सोच रहे थे कि ये गेस्ट हाउस है। भाभी जी वो गेस्ट हाउस होता है। सही पकड़े हैं। लग तो गेस्ट हाउस ही रहा है। आपको भाभी जी कहाँ मिली? कहाँ मिली मतलब? अरे हमारे साथ ही निकली है घर से, कहाँ मिली? मेरा ख्याल है आपसे तो पहले आ गई थी ये। दिमाग फिर गया है क्या? पहले आ गई थी इस अनजानी जगह पर, हमारे बिना पहले कैसे आ जाएंगी वाला? Because मैंने देखा है इनको yesterday, I saw with my own eyes. क्या बड़बड़ कर रहे हैं? छोड़िए चलिए अंदर, बाहर बहुत ठंड है। कोई वेटर वेटर नहीं है या? सब कुछ यही देख लेंगे क्या? चलिए अंदर दिखाते हैं आपको, वेटर भी दिखाते हैं और सब दिखाते हैं। चलिए चलो। दिस से प्लीज, दिस इज द फ्रंट डोर मेन एंट्रेंस। दिस से प्लीज। दिस से प्लीज। वेलकम वेलकम वेलकम। दिस से प्लीज। वेलकम सर, वेलकम मैडम। यहाँ तो टीका मलखान चिल्लू भैया तीनों ही हैं। क्यों बे लौंडो, तुम भी आओ? दिखाई नहीं दे रही है सेठ जी, काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमें लगा बदतमीजियां करने आए हो। बदतमीज को ऐसा ही लगेगा। बेटा टीका ये तुम्हारे होटल के गेस्ट हैं, बदतमीजी मत करो उनसे, तहजीब से पेश आओ। दे आर नाइस पीपल एक्चुअली। एक्चुअली क्या है कि तीनों लौंडे ये जो कानपुर में ना अवारा कुत्तों की तरह फिर रहे थे, तो पुरस्कार के लिए आया इनको यहाँ पे। क्योंकि कुछ मनुष्य लोग मेरी तनख्वाह डकारे बैठे थे। आपके बारे में बात कर रही हैं? क्या बोला बे? Excuse me sir, आपको अपना पहचान पत्र और 2500 रुपए कैश एडवांस में देने पड़ेगो। 2500 रुपए? बात तो 250 रुपए में हुई थी। ये बात हमें पता नहीं है, सॉरी। नहीं नहीं, कहा है कि लड्डू के भैया का बात भरभूति जी से हुआ था। क्या भरभूति जी, क्या बदतमीजी है ये? 250 रुपए में बात हुई थी ना? एक्चुअली हुई तो थी, लेकिन क्या है कि होटल एसोसिएशन ने पैसे बढ़ा दिए, अचानक उन्होंने अपना प्राइस हाइक कर दिया है। मैं इस मामले में आपकी मदद ना कर पाऊंगा। आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है लोगों को? शांत रहिए ना, काहे इतना भड़कते हैं? अब भूल गए का अम्मा जी का बोली हैं? हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, काहे इतना भड़कते हैं? दे दीजिए ना पैसे। गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। बेटे सर के लिए वेलकम ड्रिंक लेके आओ ना। वेलकम ड्रिंक में क्या है बेटे? पानी। एक्सक्यूज मी सर, 100 रुपए कम है गो। दे मर। चलिए आप यहाँ कैसा फूल कर रहे हैं? यही महसूस कर रहे हैं कि भभूति जी के बच्चे ने हमारा फूल बना दिया। आप बोले? हमने कहा वो फील होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ? ऑर्डर कौन लेगा बे? यस सर। तू लेगा ऑर्डर? नो सर, मैं तो खाली टेबल साफ करता हूँ, ऑर्डर तो कोई दूसरा लेगो।
अबे कौन लेगा ऑर्डर? तू लेगा ऑर्डर? इतने बुरे दिन ना मेरे, मैं सिर्फ खाना परोसूं, आई समझ में? अबे तो ऑर्डर कौन लेगा? ऑर्डर लिए नहीं, प्लेटें पहले लगा दी। Yes, but here comes a better version. Yes, sir. What is your order, sir? क्या क्या है होटल में खाने को? आप ऑर्डर करें सर, सब मिल जाएगा। क्या खाओगी पगली? आपको जो मंगा रहे हैं मंगा लीजिए, हम खा लेंगे उफी। अच्छा एक काम कर, कढ़ाई पनीर ले आ। सर पनीर ना है, कढ़ाई चलेगी? खाली कढ़ाई को क्या चाटेंगे? तू एक काम कर, बोले आ वो वेज हांडी लेकर आ। ओके सर। सर वेज ना है, हांडी चलेगी? दिमाग खराब हो गया क्या? मजाक कर रहा तुम्हारे साथ? नो सर, मजाक ना कर रहा हूं, ऑर्डर ले रहा हूं सर। हाँ तो लेना ऑर्डर। तो आप ऑर्डर दीजिए सर। अबे जो मंगा रहे हैं वो तो लेके आ। क्या मंगा रहे सर बोलिए? आलू मटर खाओगी? आलू टमाटर मंगा लीजिए। नहीं आलू टमाटर में आनंद नहीं आएगा, एक काम करते हैं दम आलू कश्मीरी मंगा लेते हैं। दम आलू अमृतसरी मंगवाते हैं ना? चलो ठीक है फिर, दम आलू अमृतसरी लेकर आओ। एक्सक्यूज मी सर, दम आलू अमृतसरी लाने में 2-3 दिन लग जाएंगे सर। जी सर, आलू लेने के लिए अमृतसर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अबे तू मजाक कर रहा है हमारे साथ? भभूति जी शांत रहिए ना। भभूति जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे तिवारी जी? ये क्या बदतमीजी चल रही है होटल में हमारे साथ? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ आपके साथ? तो क्या हो रही है ना बदतमीजी? वो तो आज लौंडे खाने पीने के नाम पर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और देखिए भभूति जी, हमको बहुत जोर का भूख लगा है। भाभी जी, I'm really sorry. लौंडे नए, सिखा रहा हूँ इनको। वैसे आप लोगों का खाना गुलाबिया ने बना दिया है, आप लोग अपने रूम में जाइए, वही सब हो जाएगा। ठीक बा, जल्दी मंगाइएगा। जी जी जी। खाना जल्दी भेजिएगा। हाँ अगर कल भाभी जी नहीं थी तो वो कौन थी? वो कौन थी? God, who was she? मेरे कमरे में? Why? I mean, how? I just can't believe this. हम तो कब से आपके करीब आने का कोशिश कर रहे थे। आप ही हैं जो हमसे दूर 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 भाग रहे थे। भाभी जी,
मुझे तो ये लगता था कि आप मुझसे दूर भागती, क्या तो कहानी उल्टी है। जी, मैंने कई बार आपको हिंट देने की कोशिश की, ना तो आपने हिंट लिया और ना ही मुझे कोई हिंट दिया, तो हाउ वुड आई नो। कैसे देते? उलटू के भैया हर वक्त हमारे पीछे साए की तरह लगे रहते थे। अभी जी, इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही? आपके लड्डू के भैया तो बहुत बड़े मोरन है, माफ कीजिएगा। आई ना, आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। आप तो करिए ना, प्लीज बैठिए, यहाँ बैठिए प्लीज, लेट्स टॉक। यहाँ नहीं, वहाँ बाहर एक तो बहुत ही रोमा आंटी पाइल्स है। पाइल्स तो आपके लड्डू के भैया को होगी। अब भाभी जी, वो रोमांटिक प्लेस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। आप होंगे, हम होंगे, रात का सन्नाटा होगा, बहुत मजा आएगा। आइए ना। अभी रुकिए, मैं भी आ रहा हूं। अभी जहां हो सकता मैं। अंगूरी, ये पगली कहाँ चली गई? अंगूरे, अंगूरे, ये आवाज कैसी? पगली, अंगूरे, अगले। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्योंकि बरपुते जी, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं आप? क्योंकि हम उल्लू के भैया की कैद से आजाद हो गए। अभी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। I love you। आए? आए? I love you। आए? ये आए आए ही करते रहेंगे, ये love you too भी बोलेंगे। I really can't, भाभी जी, मैं नहीं बोल सकता, आपको मेरे में हिम्मत नहीं है। I'm really sorry। हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा ना बरपुती जी, वो कच्चा बनियान को हम आप ही के लिए छोड़कर आए हैं। लेकिन भाभी जी, आपकी बातें सुनकर दूर कहीं सियार भी रो रहा है। ठंडे दीजिए सियार को। ऐसा मत कहिए, आपके लड्डू के भैया भले जलील हो, कमीने हो, गिरे हो, घटिया हो, लेकिन हैं तो आपके पति ना। अरे वो पति गया कुइयां के खेत में। No, भाभी जी, ऐसा ना कहिए प्लीज। भाभी जी प्लीज, भाभी जी। ओह माय गॉड, बचाओ बचाओ। अंगूरी, ये क्या किया तुमने हमारे साथ? अंगूरी, हम तुम्हें पगली समझते रहे, लेकिन तुम तो ठगली निकली। ईड़ी बन के पीड़ी खाती थी, एड़ा बन के पेड़ा खाती रही। हमने तो कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि तुम भभूतिये के साथ अपना चक्कर चलाओगी। अरे आई कांट बिलीव दिस। अरे मुझको तो विश्वास ही ना है रहो,
कसम से कह रही हूँ सेठ जी, भाभी जी ऐसा कर ही ना सकती। भैया अपनी भाभी जी तो साथ साथ देवी का रूप है गई। भैया एक बार तुम को आपके चरित्र पर शक है सकते हो। अबे बावले तू शक की बात कर रही है, ये तो है ही गिरे हुए चरित्र के। एक तो हम वैसी अंगूरी की बेवफाई की आग में झुलस रहे हैं, ऊपर से तू मिट्टी का तेल डाल रहा है तेरी। हाय दिया, का का वॉलेटी के भैया हाँ, काए काए इतना सेट लग रहे हैं। सेट तो तुम हो गई हो पगली। आप क्या बोले? वो अपसेट होता है। सही पकड़े हैं। और का वॉलेटी के भैया काए काए इतने उदास लग रहे हैं। नाम मतलब, नाम मतलब अपनी गंदी जुबान से हमारा। काए का किए हम? धोखा दिए हमें। हम धोखा दिए आपको? का धोखा दिए? सफाई मत दो, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। लेकिन का देख लिया इन चश्मे से आंखों से? हम पूछ सकते हैं कि कहां से आ रही हैं आप इस वक्त? हाँ ये तो हमको भी समझ ना ही आ रहा है। अभी हम बाहर थे, हमको तो पता ही नहीं चला अब कि हम कब बाहर चले गए, कहां गए थे, क्यों गए थे। आप ही के पास तो सो रहे थे अंदर। अब हमको कुछ नहीं पता, आपका कसम खाते हैं। तुम तो चाहती हो ना कि हम टाइम बोल जाए और तुम भभूति के साथ निकल लो। क्या बोल रही? वही बोल रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। वही तो पूछ रहे हैं कि का देख लिए आप, का देख लिए? यही कि तुम्हारा चक्कर उस भभूति के साथ चल रहा है। नहीं, छी। हुजूर, और कितनी दूर है? मेरे पाँव दुखने लगे हैं। अरे तुम टेंशन न लियो, आ गई, देखो कितना बढ़िया होटल है, मजो आ जाएगा। अबे ओ, ये कोई होटल वोटल नहीं है समझा, ये मेरा बंगला है जो मैंने अभी अभी खरीदा है। अरे यार हमसे तो कई की शटर होटल है, होटल ही तो है जो। अबे ओ, ये सब उस विभूति की बदमाशी है, मैंने उसे इस बंगले का रंग रोगन करने के लिए भेजा था, मगर उसने मेरे बंगले में धंधा शुरू कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं। अबे ओ विभूति, अबे ओ विभूति भारा। अरे वो बचो 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 बचो। हुजूर मार ही डालेंगे क्या? किसी आदमी हो तुम यार, सोचो दो दो मुस्टंडे खड़े हैं, तुम जा सच्चे पकड़े हो। सॉरी लेडी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप हैं कौन? हुजूर हमें बादामी कहते हैं, गुलफाम कले की छोटी बहन है हम। आदाब हुजूर। आदाब आदाब। अबे ओ आदाब के बच्चे, मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा था और तूने यहाँ होटल बना के रख दिया। Shut up. फालतू की बकवास मत कर, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अंदर चल, सब कुछ बताऊंगा तेरे को। चल अंदर चल। तो अंदर ही तो चल रहे यार। सुनो, दो एक पौवा रखे कि नहीं अंदर? आप एक नंबर के घटिया लीचड़ इंसान है, ये तो हमें पता था, लेकिन आप चरित्रहीन है ये नहीं पता था। हमारी बीवी पर डाका डाल लिया। क्या बात कर रही, इनने भाभी अंगूरी को गपचिया लो। अब साले विभूति, तूने अंगूरी भाभी के साथ चक्कर शुरू कर दिया है। शट अप, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने देखा था कि अंगूरी जो आपके साथ वो घटिया बातें कर रही थी कि भपूति जी आई लव यू, लड्डू के भैया से हम नफरत करते हैं, वगैरह वगैरह। तुम हम बोले अपने मुंह से ये सब? ये बात तो सही है कि भाभी जी ने ये सब कुछ बोला अपने मुंह से, लेकिन भाभी जी आपकी तो आंखें नीली थी, अब नॉर्मल कैसे हो गई? टेल मी। क्या बात कर रहे हैं, हमरा आंखें तो ऐसा ही है, हमरा आंखें कभी नीला वीला नहीं था। नो, आपकी आंखें नीली थी और आपने मुझसे कहा कि प्रभुति जी हम आपसे प्यार करते हैं और हम लड्डू के भैया को छोड़ के आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बाकी वो भी यू वॉन्टेड टू बी अ रनअवे ब्राइड। क्या बोले साहब, अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालिए साहब, दरअसल इन्होंने जो आपसे कहा वो इन्होंने नहीं कहा साहब,
इन्होंने नहीं कहा क्या? तुमने कहा? नहीं नहीं साहब, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है साहब, लेकिन एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बेचारी बड़ी मासूम है साहब, बड़ी सीधी है, ये सब नागिन का किया धरा है साहब।